खबर उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा देश के युवाओं के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके कारण तमाम राजनीतिक दल भी अग्निपथ योजना को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस योजना को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने योजना का विरोध करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में युवा पंचायतों का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले जनपद शामली और रविवार को मुजफ्फरनगर के कस्बा शाहपुर में युवा पंचायत आयोजित की गई है, जिसमें अग्निपथ योजना का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में रालोद की युवा पंचायत शाहपुर में पैठ मैदान पर आयोजित की गई। राज्यसभा सदस्य एवं रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह युवा पंचायत में शामिल हुए। रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह ने कहा कि सरकार युवाओं को अग्निवीर नहीं बल्कि अभिमन्यु बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ की योजना से युवाओं का भविष्य दांव पर लग जाएगा। ऐसी योजनाओं से युवाओं का भला होने वाला नहीं है। योजना का हर स्तर पर विरोध होगा, या तो योजना खत्म होगी या फिर सरकार बदली जाएगी। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है। सेना में भर्ती नहीं निकाली, सिर्फ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। सदन में भी मुद्दा उठाया जाएगा। वहीं रालोद नेताओं ने पंचायत को सफल बनाने के लिए ताकत झोंके रखी। आसपास के जिलों के रालोद नेताओं ने दिन भर शाहपुर क्षेत्र में डेरा जमाए रखा। रालोद विधान मंडल दल के नेता राजपाल बालियान ने कहा कि पंचायत ऐतिहासिक रही। वहीं शाहपुर पहुंचने से पहले चौधरी जयंत सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि कहने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए कह रहा हूं। चलो मुजफ्फरनगर। तो गंभीर बात है, 4 साल की कोई नौकरी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, 4 साल का ये आंकड़ा आप कैसे आपने फिट बनाया? ये 4 साल का फॉर्मूला कहां से आया? 4 साल का 5 साल भी हो सकता था, 5 का 7 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था, 15 से आपने घटा के 4 साल कर दिए। क्यों? क्योंकि 4 से अगर 5 करते तो उन्हें ग्रेच्युटी भी देनी पड़ती। ग्रेच्युटी भी नहीं देना चाहते हैं। 4 साल बाद सरकार आपको कुछ नहीं देगी। गांव में आप लौट के जब आओगे अग्निवीरों, आप ये भी नहीं कह सकते कि हम फौज में थे। पूर्व रिटायर्ड फौजी की जितनी सुविधा है आपके लिए, वो कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। आज जब आप बीमार पड़ता है कोई फौजी, तो आरएनआर हॉस्पिटल जाता है, विशेष अस्पताल, अलग चिकित्सालय आपके लिए बनाए गए, अच्छी सुविधा है। वे सारे अस्पताल में कौन जाएंगे, कौन लोग भर्ती होंगे जब 4 साल में की नौकरी रह गई? जैसे जैसे धीमे धीमे रिटायर हो जाएंगे, उन्होंने कह दिया कि 4 साल की भर्ती होगी, इससे अतिरिक्त कोई भर्ती नहीं होगी। इससे अतिरिक्त कोई भर्ती नहीं है, 4 साल की भर्ती है, और उसमें भी 25% तक, वो भी लिमिट है। ये नहीं कहा कि 25% लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि 25% लेंगे। 46,000 पहले वर्ष में लेना है इस साल में, उसमें से 15,000 ये उम्मीद न रखें कि 15,000 को 4 साल बाद भी नौकरी मिलेगी, ये भी तय नहीं है।